हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी कुमार लाइफ केयर क्लिनिक नोएडा से बोल रहा हूँ और आज मैं आपको कुछ खास बीमारियाँ जो सेक्स से रिलेटेड होती हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये देखा है प्रायः यूजुअली ये पाया है कि जो बच्चे मेरे पास इलाज के लिए आते हैं उन्हें उनकी मैरिज होने वाली होती है और वो काफ़ी नर्वस होते हैं कि उनका उनको इम्पोर्टेंस हो गया है या उनका इरेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है और वो ठीक से उनके कड़ापन उनके लिंग में नहीं आता है, जिसको लेकर के उन्हें भारी टेंशन रहती है। ऐसे में वो मेरे पास आते हैं और मैंने पाया है उसमें कि बहुत सारी जो सिचुएशन है उसमें ये बीमारी बीमारी नहीं होकर एक डर और खौफ जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो नौकरी करते हैं उनके पास टाइम की कमी होती है, तो स्ट्रेस होता है उनके पास, जॉब का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है उनके ऊपर, उनके ऊपर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, उनके उनके टारगेट्स होते हैं उसे पूरा करना होता है, उनकी स्लीप पूरी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन बच्चों को बहुत प्रेशर होता है और ये जो बच्चे हैं जिनकी शादी होने वाली है या अभी रिसेंटली मैरिड हैं जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हुई है, तो उनके सामने जब ये स्थिति उत्पन्न होती है पैदा होती है तो बहुत परेशान होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसमें 70% तो ऐसा है कि ये साइकोलॉजिकल हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में घूमती हैं, और 30% टाइम ये बीमारी किसी से जुड़ी हुई थी, जैसे ओबेसिटी है, शराब का पीना है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या कोई डायबिटीज़ की बीमारी है, या कोई ऐसी बीमारी है जो पेनिस पे हो जाती है जिसकी वजह से सर्कमसिशन जैसे कराना पड़ता है, या उसका फाइमोसिस है, पैराफाइमोसिस है, ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से पेन होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोकल हैं जिसे हम ठीक कर सकते हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिसके लिए हमें इलाज लंबा करना पड़ता है। अब ये पता करना ज़रूरी है कि कौन सा इसमें इलाज हमें कब करना है। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है माई फ्रेंड्स कि आप डरे नहीं, बिल्कुल हिचके नहीं, आइए मेरे पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अपनी पूरी बात बताइए, ध्यानपूर्वक बताइए और जैसा इलाज वो बताते हैं उसको आप करिए, आपको फायदा होगा और आप ठीक हो जाएंगे। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप कितने अपने मन को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कैसे? जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं कि वो आदमी अपने आप को कंपेयर करता है पॉर्न स्टार्स, वो वॉच करता है पॉर्न फिल्में, वो समझता है कि मुझे भी ऐसे एक्शन करना चाहिए और उसकी तैयारी में वो फेल हो जाता है। इसी तरह से वो कई बार एक्सेसिव मैस्टर्बेशन करता है। मैस्टर्बेशन करने में क्या होता है कि वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे प्लेजर पॉइंट आ जाए और इसमें उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और फिर वो क्या करता है कि वो जिससे जल्दी से जल्दी निकालने की वजह से उसका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाता है और फिर उसे लगता है कि ये तो मैं इसको परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा और इसलिए उसको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें या काउंसलिंग में जाएँ या किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएँ या डॉक्टर से कंसल्ट करें जो फिजिशियन है या उससे रिलेटेड है, तो आपको डेफिनेट फायदा होगा और आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप चिंता नहीं करिए, अब यू विल बी सेफ एंड फाइन। आपको आप अगर इसके बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपका इलाज हो जाता है। अच्छा, अब एक बात इसमें और बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये बीमारी लग रही है, हो गई है, तो इसमें आप घबराए नहीं, थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा रिलेशनशिप को और अच्छे से चलाएं, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको एक चैलेंज लेके करें, उसको एक रिलेशनशिप को लेट्स गो टुगेदर, गेट टुगेदर, क्योंकि अगर आप साथ साथ चलते हैं तो आप उस चीज़ को जीत सकते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर ये लगा हुआ है, टुगेदर वी कैन कॉन्कर, यानी अगर आप अंधेरा रास्ता है और लंबा रास्ता है जिसमें कि प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो जब फिर मेरी आएगी तो मैं आपको और भी कुछ जानकारियाँ दूंगा, इससे ज़्यादा जो और ज़रूरी जानकारियाँ हैं, नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप उसको अगले हमारे वीडियो में सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली बारी हम आपको मैस्टर्बेशन के बारे में और दूसरा प्री मेचर एजुकेशन के बारे में बताएंगे, आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी सिचुएशन में आप बिना इलाज के ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बी हैप्पी एंड रिवाइव योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आई एम डॉक्टर वी कुमार फ्रॉम लाइफ केयर क्लिनिक
नोएडा। थैंक यू।